नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। खतरों के खिलाड़ी की सबसे महंगी प्रतियोगी की तबीयत खराब हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शमिता शेट्टी की, जिन्हें शो के लिए सबसे पहले साइन किया गया था। इतना ही नहीं, शो के निर्माताओं ने शमिता को बाकी प्रतियोगियों से ज्यादा पैसे भी दिए थे, लेकिन बावजूद इसके शमिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते निर्माताओं को तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि शूटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में शमिता शो के टास्क में हिस्सा नहीं ले पा रही, और जब तक शमिता ठीक नहीं हो जाती तब तक शो की शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि 11 जुलाई को सभी प्रतियोगी अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए, जबकि 15 जुलाई को शूटिंग शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि शमिता को इस शो के लिए अच्छी खासी मोटी रकम दी गई थी। ऐसे में उनकी तबीयत का बिगड़ना शो के निर्माताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि शमिता को मोटी फीस दी गई है, लिहाजा उनके ठीक होने के बाद उनकी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।